हेलो दोस्तों, हम अभी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कौन से गुणधर्म की सहायता से अविकलन करते हैं? यह हमें क्वेश्चन दे रहेगा, तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लागू हुआ है। हम मान लेते हैं 1/3 क्या है, ए है, 6 क्या है, बी है, 4/3 क्या है, सी है। 1/3, 1/3 ये है, तो यहाँ पर हम ए लिख देते हैं। बाद में 6 है, 6 क्या है, बी है, हम इसको बी लिख देते हैं। और 4/3 क्या है, सी है, यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। ये क्या ए है, बीच में क्रॉस है, अब ब्रैकेट है, फिर क्रॉस है, अब ब्रैकेट है, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी हो गया। ए इंटू बी, ये दोनों क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे सी। हमने पढ़ा है कि गुणात्मक गुणात्मक सहचर्य गुणधर्म, गुणात्मक सहचारी गुणधर्म में ये होता है कि a इंटू बी इंटू सी है तो बराबर होता है a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे a बार है तो b एंड c ब्रैकेट के अंदर होता है, और यहाँ पे a भी अंदर हो जाता है b और c, तो यहाँ देख सेम a इंटू बी इंटू सी बराबर ये। यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लागू हुआ, गुणात्मक सहचारी, सहचारी है यम सहचारिता, सहचारिता भी बोल सकते हैं, सहचारिता गुणधर्म लागू हुआ। क्वेश्चन भी बोलता है कौन से गुणधर्म की सहायता से, हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, या तो हमने गुणात्मक सहचारी गुणधर्म से हमें लागू किया है।